बोर्ड कर सकते हैं आपके यहाँ पे एंड दे कैन स्टे विद यू फॉर 2-3 डेज। सो लाइक इफ यू गोइंग ऑन अ वेकेशन वगैरह तो आप पहले अपने लिए बुक करो, फिर कुत्तों के लिए भी, आपके डॉग्स के लिए भी एयरबीएनबी बुक करो। Hey guys, what's up? How are you all? Once again, welcome back to the channel. Just आपने आई थिंक एक दिन पहले शायद चरणवा का व्लॉग देखा होगा एंड दिस इज़ द सेम डे। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एक खास दोस्त आने वाला है, वो कौन दोस्त है आपको बहुत ही चंद लम्हों में पता चलेगा, बट उससे पहले आई एम जस्ट हैव टू गो टू CVS टू पिकअप सम पेन किलर्स, बिकॉज अचानक से ना मेरे दांत में थोड़ा दर्द चालू हो गया था एंड अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में अभी तक फर्स्ट एड किट मेरा सेट करके रखना बाकी है, तो इसलिए आई डोंट हैव अ पेन किलर। शायद इसके बाद अभी ले लूँगा तो शायद हो जाएगा। सो आई जस्ट हैव टू पिकअप सम पेन किलर्स फ्रॉम CVS। वो लेने के बाद शायद आई एम मीटिंग अ सब्सक्राइबर, बिकॉज मुझे एक सब्सक्राइबर का टेक्स्ट आया था, हिज नेम इज़ शांतनु, ही लिव्स अराउंड द एरिया एक्चुअली नियर द एयरपोर्ट। तो फिर जिस दोस्त को मैं पिकअप करने जा रहा हूँ, बिफोर मीटिंग हिम आई वॉन्ट टू ट्राई टू मीट द सब्सक्राइबर, बिकॉज मैं यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा यू नो लाइक सब्सक्राइबर से आउट ऑफ न्यूयॉर्क या आउट ऑफ न्यूजर्सी नहीं मिला, आई वुड एक्चुअली लाइक टू सी एंड मीट पीपल एंड यू नो लाइक लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसिस ऑफ स्टेइंग यू नो इन दीज डिफरेंट स्टेट्स। वैसे आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जो है CVS और यू नो जो भी फार्मेसीज है हर जगह पे 24/7 नहीं खुला रहता है, यू नो लाइक अपने को स्पेशली इंडिया में काफ़ी बार ऐसा यू नो लाइक आदत होती है कि आसपास कुछ ना कुछ तो मिल जाता है, वैसे यहाँ पे जस्ट एटलीस्ट जिस एरिया में हम लोग अभी हैं वहाँ पे 24/7 नहीं है, यू नो लाइक इफ इट इज़ अ बिग सिटी तो वहाँ पे काफ़ी सारे फार्मेसीज 24/7 हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग को यहाँ से अराउंड 17 मिनट्स जाना पड़ रहा है जहाँ पे द नियरेस्ट CVS है। तो जस्ट अ टिप कि अगर आप यू नो लाइक किसी लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, प्लीज़ ट्राई टू हैव ऑल योर फर्स्ट एड टुगेदर, बिकॉज ये तो कैसा एटलीस्ट यहाँ पे जो Washington DC का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डल्लस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो पास में ही है, तो इसलिए 24/7 वाले फार्मेसीज ढूंढना बहुत इजी है, बट यू नो लाइक अगर आप किसी वीरानी में जा रहे हो वहाँ पे ढूंढना तो और भी मुश्किल होगा, इनकेस यू नो लाइक आपको कभी रात में ज़रूरत पड़ जाए या फिर यू नो लाइक इफ़ यू हैव एनी एक्सीडेंट, किसी का कुछ कट गया, समवन फेल डाउन और समथिंग लाइक दैट, किसी को अचानक से रात में दांत दुखना चालू हो गया, तो लाइक इन दीज केसेस इट्स बेटर यू मैं हाँ तो इट्स बेटर टू हैव योर फर्स्ट एड किट रेडी, दैट वॉज माई पॉइंट। अभी चलते हैं CVS। ऑलराइट, सो अपन आ गए हैं हर्नांडन, आई थिंक इट्स कॉल्ड हर्नांडन या हर्नांडन, मुझे आई एम कॉन्स्टेंटली कन्फ्यूजिंग इट विद हर्नांडो जो कि फ्लोरिडा में आता है, दिस इज़ हर्नांडन शायद। तो यहाँ के CVS में आएगा तो पहले CVS से एडबिल उठाएंगे एंड देन फिर जाएंगे वो सब्सक्राइबर शांति उसे मिलने। होपफुली अभी दांत का दर्द थोड़ा ठीक हो जाए। आई थिंक अभी बज रहे हैं 9, पेरिस का फ्लाइट लैंड होने वाला है बाय 9:20 और उसे आई थिंक आई एम अज्यूमिंग द बाहर आने में 10-15 मिनट लगेंगे, बिकॉज उसका कोई केबिन लगेज नहीं है उसने बोला, सॉरी चेक इन लगेज नहीं है उसने बोला, मैं हमेशा कन्फ्यूज रहता हूँ। तो या वंस ही कम्स तो वी कैन हेड टू DC, बिकॉज आज का प्लान है हमारा कि हम सब, मैं, दुर्बा और परीश, हम तीनों मिलके Washington DC एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर नहीं, मतलब मैंने दोबारा से देख लिया है, परीश ने देखा है तो मुझे परीश को थोड़ा बहुत घुमाना है, एटलीस्ट व्हाइट हाउस, कैपिटल और अपना लिंकन मेमोरियल वगैरह थोड़ा। लाइक आई सेड, वी आर एट शांतनुस हाउस राइट नाउ एंड मी शांतनु। Hey guys, and Chandratreya is going to tell you guys a very very new and unique thing that I learned today. And that is, you can see Chandratreya has 3 dogs in his house. This is Ginger. This is Charlie and that is Ginny. Ginny, yeah. And abhi Chandratreya will tell you ki exactly why does he have 3 dogs in his house. So, because like this is something really new that I learned. I knew about like dog sitting, but like you said, that was like something completely new that I heard about. Yeah, so this is Rover, where like how we have Airbnb for us, right? Mm-hmm. So this is you can say an Airbnb for dogs, where people can book your apartment, like board them at your place and then okay. Unko basically kya kehte hain, board कर सकते हैं आपके यहाँ पे and they can stay with you for 2-3 days. So like if you're going on a vacation वगैरह तो आप पहले अपने लिए बुक करो, फिर कुत्तों के लिए भी, आपके डॉग्स के लिए भी एयरबीएनबी बुक करो। सो इज इट ओनली फॉर डॉग्स या लाइक एनी पेट्स, लाइक कैट्स और कैट्स भी है, डॉग्स भी है। ओके, सो जस्ट लाइक अपना लाइक हाउ यू डू वॉकिंग सिटिंग, ओके, या सो सिमिलरली कर सकते हैं। ओह दैट्स नाइस।
That's good. Yeah, this is our favorite toy. Our favorite boy, Charlie. Hi, Charlie. So it was a short meeting, but Shantanu se milke mujhe bahut acha laga. As in, I just wanted to learn something new, and I think I learned quite a few things from him. And then, apan bhetu ya lavkar when you come to New Jersey. Okay, now let's pick up Parish. And finally, hum mile Parish bhai se. Hi, kaise ho? How was the journey? मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्चुअली वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट में डेलिस इंटरनेशनल बहुत टाइम पास है इंडिया में एयरपोर्ट में बाहर चेक करते ना पासपोर्ट यहाँ घुस गया मैं अंदर पूरा अंदर चलेगा किसी ने कोई पासपोर्ट चेक किया ये मैंने भी बहुत बार देखा कि ऐसे पासपोर्ट एक को आपको एकदम एंड में लगेगा या फिर वो सिक्योरिटी TSA चेक के टाइम पे लगेगा वरना तो शायद ही कभी लगेगा बट या आशीष भैया को बधाई हो नई कार की थैंक यू अभी परेश को अपन घुमाएंगे थोड़ा वाशिंगटन DC अपना वॉशिंगटन DC जाने का व्हाइट हाउस वगैरह एटलीस्ट बाहर से जितना देख पाए वो करने का बट उससे पहले अपन डिनर करेंगे अभी वॉशिंगटन DC में ना दुर्बानी में बोला एंड साहिली का जो फैमिली है उनसे भी मैंने पूछा तो काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो जाती है सो मैंने क्या डिसाइड किया अपन जाते हैं हलाल गाइस में क्योंकि वो एक सॉर्टेड सीन है सबको पता है कैसा टेस्ट करता है एंड बिकॉज स्पेशली परेश थक गया है पूरे दिन शूट करके आई नो तो एक कुछ ऐसा गो टू प्लेस हो जहाँ पे यू नो कि गारंटीड अच्छा खाना मिलेगा तो पहले वहाँ पे खाना उठाते एंड देन अपन शहर घूमते हैं सो हम लोग को पार्किंग की जगह कहीं नहीं मिली ऑब्वियसली अगर कोई वॉशिंगटन DC के आसपास से देख रहा है तो प्लीज़ सजेस्ट मी अ प्लेस जहाँ पे यू नो लाइक यू गाइज यूजुअली हैंग आउट एंड सेट एंड पार्क अगर ऐसी कोई जगह है तो मैं ज़रूर बताना नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा ना बिकॉज इस बार हम लोग ने वॉशिंगटन DC की अलग ही वाइब देखी रात को बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग लगा सर्टन एरियाज इतना कभी भी हैपनिंग हम लोग ने नहीं देखा था तो मतलब हम लोग को लगता है लाइक वॉशिंगटन DC वो वैसा वाला शहर है जहाँ पे एक बार रात हो जाए सब लोग कामकाज और लोग अपने अपने घर चले जाए तो एकदम शांत सुनसान रहेगा बट ऐसा नहीं था इट वाज अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली अभी तक व्हाइट हाउस और बाकी प्रॉपरली घूमना बाकी है तो शायद हम लोग यहाँ पे वॉशिंगटन मॉल के पास भी थोड़ा बहुत घूमेंगे कैपिटल भी लेके जाएंगे परेश को एंड परेश लग रहा है चिकन और राइस 5 घंटे बाद खाना नसीब हुआ है दोस्तों और ऐसे टाइम पे कुछ भी मुंह लग जाए ना वो बेस्ट लगता है मतलब उसकी अलग ही टेस्ट उभर के आता है तो हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे मस्त गप्पे मारेंगे काफ़ी टाइम बाद इस लाइक परेश को मैं New Jersey में हम दोनों रहते हैं फिर भी नहीं मिल पाता और यहाँ पे DC में मिल रहा हूँ और एट गाइस सो इसके बाद मैं परेश और दुर्गा हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे एक छोटा सा शायद स्कैम होते होते भी बचा हम लोग से लाइक आई थिंक वी वर स्मार्ट इनफ या फिर इट कुड हैव बीन अ स्कैम और मे बी इट वॉजेंट अ स्कैम बट वो मैं इस वाले ब्लॉग में नहीं बताऊंगा बिकॉज वरना मेरे बातचीत करने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन बट कमेंट डाउन बिलो लिखना स्टोरी टाइम वी वांट स्टोरी टाइम इफ़ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड विद अस इन DC एंड देन मैं उसके बारे में अलग से बैठ के अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट हैपेंड एंड देन मे बी लाइक व्हाट यू शुड डू टू अवॉइड एनी यू नो लाइक काइंड ऑफ स्कैम्स टूरिस्ट स्कैम्स हैपनिंग विद यू बट या अभी फिलहाल मैं घर पे आ गया बिकॉज नेक्स्ट डे वी लेफ्ट आई हैव शॉट समथिंग फॉर दैट बट वो अगले वाले ब्लॉग में आएगा बट आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज व्लॉग लेट मी नो हाउ यू गाइस लाइक दिस वन एंड आने वाले दिनों में काफ़ी सारे व्लॉग्स आने वाले हैं देयर समथिंग न्यू ऑल्सो दैट्स कमिंग अप सो बी एक्साइटेड जैसे कि मैं हर बार एक्साइटेड रहता हूँ हर चीज़ के लिए एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वन टिल देन स्टे सेफ हैव फन पीस आउट लाइक करना मत भूलना